नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं पतियों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे पति हैं जो मुझसे ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा 498A का मुकदमा लगा दिया है। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरे ऊपर फर्जी FIR हो गया है। तो अब मैं क्या करूँ, कैसे उस मुकदमे से जल्दी बाहर निकल सकता हूँ, इसका हमें उपाय बताइए। तो देखिए, आपके ऊपर यदि झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इससे बाहर निकलने का, बचने का जो सबसे आसान रास्ता होता है वो होता है क्वेशिंग, यानी 482 CRPC के अंतर्गत आप हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाते हैं। जो भी आपके पास फर्जी मुकदमा है आपके ऊपर, उससे बचने का आधार है वो हाईकोर्ट में बताते हैं। हाईकोर्ट को लगता है कि मामला रद्द किए जाने योग्य है, तो वो जो मुकदमा है जल्दी से जल्दी रद्द कर दिया जाता है। तो आज हम क्वेशिंग के संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं जो काफी ज्यादा पति मुझसे पूछते हैं, और काफी ज्यादा ऐसा क्वेशिंग विषय है जो लोगों के मन में संदेह पैदा करता है, इसे लेके काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो क्वेशिंग के संबंध में आज हम काफी महत्वपूर्ण बातें समझने वाले हैं, जैसे कि क्वेशिंग में प्रक्रिया कैसे चलती है, कितना समय लग जाता है, क्वेशिंग कराने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यानी जब आप क्वेशिंग का प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो उस समय आपको क्या सावधानियां रखनी है, साथ ही साथ ऐसे कौन से मुख्य आधार हैं जिनके आधार पे आप चाहे तो अपने झूठे 498A के मुकदमे को रद्द करा पाएंगे। तो क्वेशिंग के संबंध में आज हम काफी महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसे स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है और इस प्रकार से आपको कोई नहीं समझाएगा, दूसरे किसी चैनल पे समझने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं, जैसे 498A, 125 CRPC, DV Act, Section 9, डाइवोर्स केस, अन्य जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उससे संबंधित आपको जानकारी दी गई है, आपको गाइडलाइंस दी गई है कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, किस प्रकार से अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, किस प्रकार से पत्नी के केस को कमजोर करना है, किस प्रकार से जीत हासिल करना है, कैसे उसके ऊपर प्रेशर बनाना है, ये सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो यदि आप झूठे मुकदमों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और जानकारी जुटाना चाहते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, तो इस किताब का एक बार अध्ययन जरूर करें। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो ये जो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात जो मेरी ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है, ये ग्रुप ऐसे पतियों के लिए स्टार्ट हुआ है जो झूठा मुकदमा झेल रहे हैं और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं मैट्रिमोनियल केस से संबंधित, जैसे 498A क्वेश हुआ, मेंटेनेंस बंद हुआ, DV एक्ट में पति को फायदा मिला, 340 CRPC अलाउ हुआ, इस प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित लैंडमार्क जजमेंट आते हैं, तो उस ग्रुप में आपको लैंडमार्क जजमेंट्स की कॉपी दिलाई जाती है, PDF उपलब्ध कराया जाता है, जो भी लेटेस्ट के होते हैं उसे आसान शब्दों में समझा भी दिया जाता है किस मामले में क्या हुआ है। आपकी जो क्वेरी होगी आप उस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे फायदे ग्रुप से जुड़ने का आपको मिलेगा। इस ग्रुप से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी आपको पे नहीं करना है। तो अब आइए अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर आते हैं। तो देखिए, क्वेशिंग के संबंध में आज हम 3 टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक तो ये है कि क्वेशिंग की प्रक्रिया कैसे चलती है, दूसरा चीज ये हो गया कि सावधानियां क्या रखनी होती हैं, यानी जब आप क्वेशिंग का प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हैं जिसमें सावधानी रखनी है, तीसरी चर्चा ये करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुख्य आधार है जिन आधार पे आप चाहे तो झूठे 498A के मुकदमे को आसानी से रद्द करा पाएंगे। तो अपनी पहली चीज को समझते हैं कि क्वेशिंग में प्रक्रिया कैसे चलती है और कितना समय लगता है। तो देखिए, जब भी आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का या कोई भी फर्जी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसे रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट आपको जाना होता है। लोअर कोर्ट में 482 CRPC का प्रार्थना पत्र नहीं लगता है, ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा। तो क्वेशिंग कराने के लिए आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है।
तो देखिए, जब आपके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आप हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र दाखिल करते हैं, जिसमें आप अपने आधार बताते हैं कि ये फर्जी बातें हैं, मुझे फंसाया गया है। इस प्रकार से आप कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाते हैं हाई कोर्ट में। उसके बाद देखिए, हाई कोर्ट में जब आप प्रार्थना पत्र लगा देते हैं तो एक डेट लगता है जिसमें एडमिशन के लिए सुना जाता है, यानी आज आपने दाखिल किया तो 2, 4, 5, 10 दिनों का एक डेट लगता है और उस डेट पर सुना जाता है कि क्या मामला है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, नोटिस भेजे जाने योग्य है या नहीं है, एक ही दिन में खारिज या फिर एक्सेप्ट करने योग्य है, जो भी चीजें हैं। तो दाखिला के 10 दिन 12 दिन 15 दिनों के बाद एक एडमिशन का डेट पड़ता है, उस पर सुना जाता है, बीच में स्क्रूटनिंग की प्रक्रिया चलती है, यानी देखा जाता है कि फाइल में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है। तो ये जो कोर्ट के कर्मचारी होते हैं वही देखते हैं। तो पहला जो डेट लगता है दाखिला के बाद, उस पर एडमिशन होता है। जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद जो कोर्ट होता है यानी हाई कोर्ट है, वो नोटिस भेजता है। अब नोटिस दो पक्षों को भेजा जाता है, पहला पक्ष तो स्टेट होता है यानी सरकार होती है, और दूसरा पक्ष होता है वो पत्नी होती है। तो एक पक्ष तो पति हो गया जो यहाँ आवेदन कर रहा है 482 सीआरपीसी का, और जो प्रतिपक्षी हो गया उसमें दो लोग होते हैं, पहला स्टेट खुद होता है यानी राज्य सरकार होती है, और दूसरा पत्नी होती है। तो इन दोनों लोगों को नोटिस भेज दिया जाता है। अब नोटिस जब भेज दिया जाता है और फाइल को कोर्ट मीडिएशन सेंटर में भेज देता है, जब पत्नी हाजिर होती है तो फिर मीडिएशन कराया जाता है। मीडिएशन कराने के पश्चात मीडिएशन का रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट हो जाता है। जब मीडिएशन की रिपोर्ट लग जाती है तो एक डेट होता है जो उस डेट पे आर्गुमेंट होता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं कि मेरा ये तर्क है, पत्नी की तरफ से ये तर्क है, स्टेट की तरफ से ये तर्क है। पति अपने आधार को बताता है कि इस आधार पे ये प्रार्थना पत्र जो है उसे एक्सेप्ट किया जाए और झूठे केस को रद्द किया जाए। स्टेट की तरफ से विरोध किया जाता है कि 482 सीआरपीसी खारिज किया जाए, पत्नी की तरफ से भी यही विरोध किया जाता है कि 482 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाए। पत्नी अपना पक्ष रखती है, स्टेट वही पत्नी की तरफ से पक्ष रखता है और पति अपना पक्ष रखता है। उसके बाद एक डेट लगता है जजमेंट का, और उस दिन जो भी मामला होता है, जो उस पर कोर्ट का निर्णय होता है वो आ जाता है। मामला यदि रद्द किए जाने योग्य होता है तो मामले को रद्द कर दिया जाता है। यदि 482 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र ही खारिज किए जाने योग्य होता है, उसमें कोई आधार ही नहीं होता है, तो 482 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र ही खारिज कर दिया जाता है। तो ये हो गई क्वेशिंग की एक नॉर्मल प्रक्रिया जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई। बाकी कोर्ट में तमाम चीजें होती हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे, बाकी जो शॉर्ट में चीजें थी जो आप समझ सकते थे उतना ही मैंने आपको समझाया। तो यही एक प्रक्रिया होती है। अब इसमें समय की हम बात कर ले तो लगभग मान के चलिए 3 से 5 महीने का समय इस मामले में लग जाता है। तो लगभग आप मान के चलिए कि एक मोटा मोटी तो 6 महीने का समय आप मान के चलिए कि क्वेशिंग के प्रक्रिया में लग जाता है, और इतने दिनों में आपका जो केस क्वेशिंग का है 482 सीआरपीसी है वो डिस्पोज हो जाएगा, अगर सब कुछ ही चलता है तो। अब ये तो हो गई प्रक्रिया, आपने समझ ली कितना समय लगेगा ये समझ लिया। अब अपने दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना होता है क्वेशिंग का प्रार्थना पत्र लगाते समय। तो देखिए, क्वेशिंग का प्रार्थना पत्र लगाते समय पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपके ऊपर झूठा एफआईआर हो जाता है तो आपको कभी भी एफआईआर क्वेश कराने के लिए 482 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र नहीं लगाना है, बल्कि आपका जब चार्जशीट कोर्ट में लग जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने चार्जशीट लग जाए, उसके बाद आपको क्वेशिंग का प्रार्थना पत्र देना है। तो कभी भी एफआईआर क्वेशिंग का एप्लीकेशन नहीं देना चाहिए, इससे ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। क्वेशिंग का एप्लीकेशन चार्जशीट लगने के बाद चार्जशीट क्वेश कराने के लिए दिया जाना चाहिए, यही उचित होता है। अब इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो ये कि देखिए, जब एफआईआर होता है तो प्रथम दृष्टिया आधार पे होता है, कोई साक्ष्य नहीं लिया जाता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। तो जब आप एफआईआर के आधार पर क्वेशिंग के लिए जाते हैं तो हाई कोर्ट भी यही कहता है कि मामला सही है कि गलत है, अभी तो इसका इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, जांच पड़ताल भी नहीं हुआ, और प्रथम दृष्टिया मामले के आधार पे ही ये मामला दर्ज हुआ है, कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं लगी है, कोई सबूत नहीं लगा है जिससे स्पष्ट हो कि फंसाया गया है कि सही मामला है, कहीं कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्वेशिंग का प्रार्थना पत्र खारिज होने का ज्यादा चांस होता है।
तो कभी भी क्वेश्चन का जो प्रार्थना पत्र है वो चार्जशीट के बाद लगाना चाहिए, क्योंकि चार्जशीट लगने के बाद सारी चीजें जो भी साक्ष्य होते हैं, गवाह होते हैं, जो भी चीजें होती हैं पत्रावली में सबमिट कर दी जाती हैं, लगा दी जाती हैं, तो क्वेश्चन होने का ज्यादा चांस होता है, क्योंकि कोर्ट भी तब समझ जाता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और जो भी साक्ष्य है लगा दिया है, अब जो पुलिस का यानी एजेंसी का जांच पड़ताल था वो खत्म हो चुका है, तो आपके पक्ष में फैसला आने का ज्यादा चांस होता है चार्जशीट लगने के बाद। अब देखिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने योग्य होती है कि क्वेश्चन का जो प्रार्थना पत्र होता है पति और घर वालों के लिए अलग अलग लगाया जाना चाहिए। जो पति है सबसे पहले वो अपने जो घर वाले हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, जो भी रिश्तेदार है उनके लिए क्वेश्चन का प्रार्थना पत्र लगाए, और जब वो डिस्पोज हो जाए उसके बाद अपना प्रार्थना पत्र लगाए तो अलग अलग लगाना चाहिए, और जब एक खत्म हो जाए डिस्पोज हो जाए तब दूसरा लगाना चाहिए। तो क्वेश्चन का एप्लीकेशन अलग अलग लगाना चाहिए, साथ ही साथ पहला जब डिस्पोज हो जाए तब दूसरा लगाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जो घर वाले होते हैं उनके ऊपर जो मामला है वो रद्द होने का ज्यादा चांस होता है। घर वालों पे अगर फर्जी केस है, आपके पास साक्ष्य है, तो मान के चल सकते हैं कि 90% चांस है कि उनके ऊपर लगा केस क्वेश्चन हो सकता है, रद्द हो सकता है। लेकिन जो पति है जिसके ऊपर मामला दर्ज है उसके ऊपर जो मामला है उससे क्वेश्चन होने का कम चांसेज होते हैं, कम आशा है कि पति के ऊपर दर्ज मामला रद्द होगा। तो अगर आप घर वालों का और पति का एक ही में क्वेश्चन का एप्लीकेशन लगाते हैं तो ज्यादा यही चांस हो जाएगा कि अब सबका मामला जो है उसे रद्द नहीं किया जाएगा बल्कि क्वेश्चन के एप्लीकेशन को ही हाईकोर्ट रद्द कर देगा। तो अलग अलग लगाने से आपको फायदा मिल सकता है, पति का तो नहीं होगा, नहीं चांस है, लेकिन घर वालों का जो मामला है उसमें सफलता आपको मिल सकती है, और यदि दोनों के पास आधार है तो दोनों का मामला क्वेश्चन हो सकता है। तो इस वजह से अलग अलग लगा के पहले जो होने वाला चीज है वो करा लेना चाहिए, उसके बाद जो नहीं होने वाला चीज है जिसमें रुकावट आ सकती है तब उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। तीसरी जो सावधानी है वो ये रखनी चाहिए कि जब आपके पास उचित आधार हो क्वेश्चन का, आपके पास कुछ साक्ष्य हो बचाव के लिए आधार हो, तभी क्वेश्चन का प्रार्थना पत्र लगाना चाहिए। वैसा नहीं है कि आपके पास कोई साक्ष्य ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है और आप क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट चले जाए, तो ऐसे में आप जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। तो जब आपके पास कुछ साक्ष्य हो अपने बचाव में, कुछ आधार हो, तभी क्वेश्चन का प्रार्थना पत्र लगाना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन के लिए जाएं और आपके पास कोई आधार हो ही ना, बस आप यही कोर्ट में कहें कि मेरे ऊपर फर्जी केस हुआ है, मेरी पत्नी ने मुझे झूठा फंसाया है, तो अरे झूठा फंसाया है कि सही फंसाया है, जब ट्रायल होगा तभी तो पता चलेगा। लेकिन आपके पास कुछ आधार हैं जिससे आप साबित कर सके कि झूठा फंसाया गया है, तभी क्वेश्चन में आपको फायदा मिल सकता है। तो ये मुख्य चीज है, ध्यान देने योग्य चीज है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ आधार को समझ लेते हैं, जिन आधारों पे क्वेश्चन का प्रार्थना पत्र यदि आप लगाती हैं तो सफलता मिलने का चांस ज्यादा होता है। तो देखिए सबसे पहला जो मुख्य आधार है वो ये है कि सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं, जो भी आरोप लगे हैं सर्वव्यापी लगे हैं, यानी मामले को देख के ही लग रहा है कि फंसाया गया है, और जो भी आरोप है उन आरोपों के आधार पे मामला ही नहीं बन रहा है। पत्नी ने साफ कह दिया है कि मेरे पति, मेरे घर वाले जो थे वो मुझे प्रताड़ित करते थे। किस प्रकार से प्रताड़ित करते थे, क्या करते थे, कब किए, इसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो इस आरोप को सामान्य आरोप कह सकते हैं। तो इस प्रकार के आरोप लगे हैं तो मामला क्वेश्चन हो सकता है। किस दिन घटना हुई, कब घटना हुई, किस तारीख को घटना हुई, इसका जिक्र नहीं है, तो ऐसा मामला क्वेश्चन हो सकता है। प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बन रहा है, तो ऐसा मामला क्वेश्चन हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास अपने बचाव में कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे आप साबित कर दे कि पत्नी ने झूठ बोला है, झूठा फंसाया है, तो ऐसा मामला क्वेश्चन हो सकता है। पत्नी ने गंभीर चोट दिखाया है अपने आप को कि लगा है मुझे, और उसके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं है, कोई डॉक्टरी मुलहिया नहीं है, कोई दवा इलाज का चीज नहीं है, तो ऐसा मामला रद्द हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन के मुख्य आधार हैं जिनके आधार पर आप अपने 498A के झूठे मुकदमे को रद्द करा सकती हैं। बाकी क्वेश्चन के संबंध में और डिटेल में समझने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन के संबंध में आपको इम्पोर्टेंट जजमेंट चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको काफी अच्छे अच्छे लेटेस्ट में जो जजमेंट आते हैं वो पढ़ने को समझने को मिल जाया करेंगे क्वेश्चन के संबंध में।
तो आशा कर रहा हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।